हेलो बच्चों, आज 8वीं कक्षा के वसंत पाठ्यपुस्तक से लिया गया यह सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता का वाचन करने वाली हूँ। साथ में ही शब्दार्थ और सारांश भी दिया गया है। ओके, लेट्स स्टार्ट। यह सबसे कठिन समय नहीं, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। यह सबसे कठिन समय नहीं कविता जया जादवानी जी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कविता है। इसमें आपने मनुष्य को जीवन के कठिनतम परिस्थितियों में हार न माने की प्रेरणा दी है। नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। कवयित्री प्रस्तुत पंक्तियों में लोगों को आशावान बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। व्यक्ति को लगता है कि यह समय सबसे कठिन है, उसके बचने की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी जीवन में कुछ उदाहरण हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। चिड़िया उसकी चोंच में तिनका दबा के रखती है और वह अपना घोंसला बनाने की तैयारी में है। पेड़ से जो पत्तियां गिरती हैं उन्हें भी इकट्ठा करके अपने घर ले जाने के लिए लोग अपने हाथों से थामने के लिए बैठे हैं। लोग अभी भी घर जाने के लिए तैयार बैठे हैं और रेलगाड़ियों पर जाने के लिए स्टेशनों पर भीड़ बैठी है। अपने घर जाने वालों की कोई कमी नहीं है। अभी भी स्टेशन पर अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक गाड़ी जाती है। अतः निराश होने की आवश्यकता नहीं है, इस सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। शाम होने पर बाहर जाने वालों का इंतज़ार आज भी किया जाता है। कोई किसी की प्रतीक्षा कर रहा है कि घर जल्दी लौट आएगा। जीवन अपनी ही गति से ही चलता जा रहा है। नानी जो बच्चों को पुराने ज़माने से ही कहानियाँ सुना रही हैं, और कहानियों में अंतरिक्ष की कहानियाँ रहती हैं जो कि दूसरी दुनिया के पार की कहानियाँ हैं। दूसरी दुनिया में बसे हुए लोग अभी भी धरती पर संदेश दे रहे हैं। अभी भी मानवता दूसरे ग्रहों पर बची हुई है। अतः यह सबसे कठिन समय नहीं है। आशा बची हुई है। निराश होने की
आवश्यकता नहीं है। वास्तव में ही सच बात है कि व्यक्ति में जब तक हिम्मत है, साहस है, हौसला है और उसमें काम करने की शक्ति है और उसका अपना लक्ष्य है जिस पर वह केंद्रित है, तब तक यह कहा नहीं जा सकता कि कठिन समय की शुरुआत हो गई है। जब व्यक्ति हौसला छोड़ देता है, हिम्मत का साथ छोड़ देता है, तभी कठिन समय की शुरुआत होती है। अभी भी संसार में गतिशीलता जारी है, अतः निराश होने की जरूरत नहीं है। उदाहरणों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। यह सबसे कठिन समय नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइएगा। अभी अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।